सीनियर इंडियंस के 13th एपिसोड में भारत के 15 करोड़ सीनियर सिटीजन का स्वागत है। आज सुबह सुबह जो है मतलब मुझे थोड़ी इस बात में थोड़ी आनंद भी आया। एक मिस्टर भटनागर हमारे सोसाइटी में रहते हैं, कभी कोई बातचीत ही नहीं करते थे कभी भी। तो आज सुबह लिफ्ट में मेरे साथी नीचे उतरे तो तरह तरह की बातें करने लग गए। बोले आपकी चैनल कैसे चल रहा है। लिफ्ट के बाहर आए तो बोले कि भाई आपका क्या ख्याल है 2024 में क्या होने वाला है। तो जब तक वो गेट के बाहर आए मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचा, वो काफ़ी बातें करते रहे। इट वॉज़ वेरी अनयूजुअल फॉर हिम टू टॉक सो मच। फिर मुझे उनके एक दोस्त ने बताया कि आजकल इनको एक अभी एक यूट्यूब पर इस पर सॉरी फेसबुक पर चल रहा है, फेसबुक पर भी उसमें व्हाट्सएप पर, कि ज़्यादा बोलने से जो है सीनियर सिटीजन की हेल्थ अच्छी रहती है। तो मैंने कहा हाँ अब ठीक है। तो ये आपको भी बता दूं कि ये आजकल चल रहा है ज़्यादातर व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है, और बिल्कुल सही मैसेज है कि सीनियर सिटीजन जो हैं अगर ज़्यादा टॉकेटिव रहेंगे तो एक तो स्ट्रेन से ज़रा दूर रहेंगे, और जब बोलते हैं तो ब्रेन को भी थोड़ा अच्छी एक्टिविटी मिलती है। और एक सबसे अच्छी एक्टिविटी मिलती है कि आपके जो फेस के मसल्स हैं उनको भी आपकी आपके चेहरे की झुर्रियाँ होने जो है वो एवॉइड हो जाती है। तो ऑलवेज बी टॉकेटिव अच्छी बात है। और सबसे अच्छा उदाहरण जो है इसके सबूत जो है, आप जानते हैं कि महिलाओं की उम्र जो है पुरुषों से ज़्यादा होती है पूरे वर्ल्ड में। अब चूँकि वो ज़्यादा बातें करती हैं तो बेटर लेट अस टॉक मोर, अच्छी बात है। और अभी वही शुरुआत करते हैं अपन अपने अनूप जी के साथ विथ सम ह्यूमर। सो लेट्स बिगिन विथ अनूप जी। आदमी इसलिए शादी करता है कि जिंदगी भर सुकून से रहे, और जो लोग शादी नहीं करते हैं वो भी इसीलिए नहीं करते हैं कि जिंदगी भर सुकून से रहे। हालांकि बात ये बात अलग है कि सुकून से दोनों ही नहीं रहते। शादियों में दूल्हा तलवार लेके जाता है पर चलती जिंदगी पर बेलन की ही है। वैसे शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए, अगर बीबी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और नहीं मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। एक ज्ञान की बात बता दूं, कि अगर आपको कोई हंसी डालता है तो उदास मत हो। अरे आप आदमी हो, गधे थोड़ी हो। और चलते चलते एक सवाल, सभी शादीशुदा भाइयों से ये बताओ कि आपके पड़ोसन ने आपको लाइन देना बंद कर दिया क्या? जरूर बताना। दिल्ली में डॉक्टर दिनेश अग्रवाल के एक पड़ोसी हैं डॉक्टर मनोज सेठी। तो उनकी माँ जो है 85 की हैं। जब उनको पता पड़ी कि इस तरह का एक सीनियर इस तरह के उनके लिए भी एक वीडियो ग्रुप बना हुआ है तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो उनके यहाँ अभी अभी जो लोहरी बनाई गई क्योंकि उनके बेटे की शादी अभी अभी हुई है, मिस्टर सेठी जो है इज ऑलमोस्ट 60 नाउ, तो उन्होंने भी एक छोटा सा वीडियो भेजा है। तो लेट्स सी, एक त्यौहार का एक आनंद का मौका है। सो लेट्स सेलिब्रेट लोहरी विद डॉक्टर सेठी एंड फैमिली।
से पी सी अग्रवाल जी जो हैं उनको वीडियो भेजते रहते हैं NRS के बारे में। इस बार उन्होंने भेजा है कुछ उजाती फैमिली जो होती हैं बेलवियों से, कुछ हर फर्स्ट सैटरडे को महीने के लंच लेती हैं सब मिलके, तो उनके वीडियो जो हैं छोटे छोटे पीसीज में हैं, उनको इकट्ठा करके आपको दिखा रहे हैं। सो लेट्स एन्जॉय गुजराती सीनियर्स फ्रॉम US एन्जॉइंग द लंच ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। लेट्स सी। तो जैसे कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो हस्त मुद्रा, और अगर सिंगल हैंड है तो असंयुक्त, जॉइंट नहीं हुआ हुआ। तो उससे जो भी हम मुद्रा बनाते हैं 30 तो फॉर श्योर होती है। मधुबन में भले कान्हा किसी को पीस मिले, हमने तो राधा जी प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि इस उम्र में म्यूज़िक जो है सुनना, भी थोड़ा गुनगुनाना, सबके साथ बैठ के कुछ गाना बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा वरदान जो आजकल है वो है कराओके। आप कराओके में पूरा आपको बिजू तैयार मिलता है, आप अपनी तरफ से गाइए, दूसरों को भी थोड़ा टॉलरेट कीजिए। तो जूनागढ़ एक अच्छा शहर, डेवलपिंग शहर है सौराष्ट्र, दैट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न गुजरात। तो वहाँ से मिस्टर भावेश जोशी ने भेजा है, उन्होंने भी एक कोई सीनियर ग्रुप क्रिएट किया है, वो मिलकर गाते हैं, मस्ती करते हैं, दे एंजॉय दे। तो लेट्स एंजॉय विद देम, लेट्स लिसन टू देम। हेलो
फसाना इसी का फसाना मेरा बन गया फसाना किसी का पूछो ना मोहब्बत का असर आए ना पूछो आए ना पूछो पूछो ना मोहब्बत का असर आए ना पूछो आए ना पूछो दम्बर में कोई हो गया परवाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का मिलते ही आके दिल हुआ दीवाना किसी का हंसते ही ना जाए कहीं आंखों में आंसू आंखों में आंसू हंसते ही ना जाए कहीं आंखों में आंसू आंखों में आंसू पर्दे ही चलक जाए ना पैमाना किसी का मरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का मिलते ही आके दिल हुआ दीवाना किसी का डॉक्टर दिनेश अग्रवाल दिल्ली से रेगुलरली नेचुरोपैथी पे कुछ वीडियो डालते रहते हैं जो काफ़ी काम के साबित होते हैं इस बार ही इज़ टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मेडिटेशन मेडिटेशन की जो शुरुआत होती है वो कैसे की जाती है लेट्स लिसन टू हिम और समझिए मेडिटेशन भी बड़ी अच्छी चीज़ है और आपको दुनिया से दूर ले जाती है मतलब यू कैन बी अवे फ्रॉम ऑल योर वरीज एंड कंसर्न्स तो लेट्स लिसन टू डॉक्टर डीसी अग्रवाल दिनेश अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली नमस्कार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज सबसे ज़्यादा ठंड दिल्ली में पड़ रही है तो उसका भी बचाव बहुत ज़रूरी है अब कुछ मैं मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं आमतौर पर जो धारणा है कि मेडिटेशन बहुत कठिन कार्य है और वो सिर्फ साधु संतों के लिए या सन्यासियों के लिए ही बना है ऐसा कुछ नहीं है आप भी बहुत आराम से कर सकते हैं ध्यान से सुनिएगा जब आप बिस्तर पर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उठते ही बिस्तर से उठकर बाथरूम में चले जाते हैं या ब्रश करने चले जाते हैं किसी के पास कोई टाइम नहीं है अपने ऊपर देने के लिए इसलिए मैं कहूँगा पहले उठते ही है ना उठिए मत उठ के जाइए मत एक मिनट के लिए बैठिए बिस्तर पर और सिर्फ अपनी सांसें आते जाते देखिए ध्यान पूरा नाक पर है नाक की टिप पर है और देखिए गौर से सांस आ रही है तो कैसी लग रही है और सांस छोड़ रही है तो कैसे लग रही है जब सांस अंदर लेंगे तो सांस ठंडी लग रही है और सांस जब बाहर छोड़ेंगे तो गर्म महसूस होगी वैसे आपको सांस महसूस नहीं होती पर जब ये क्रिया दोहराएंगे इस 5-7 दिन तक तो आपको ये महसूस होना लगेगा इसी से मेडिटेशन की पहला स्टेप है ये मेडिटेशन का आप इसे कीजिए इसके दो और फायदे भी हैं जब आप बैठते हैं और तुरंत नहीं उठते हैं तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी नहीं होती कोई चक्कर भी नहीं आते हैं क्योंकि बॉडी सेट हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर लिख लीजिए 9 8 111
3777। एक बार करके देखिए, ये सब चीज़ें महसूस करने वाली हैं, बताई नहीं जा सकती या एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, पर फिर भी आपको बहुत बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आखिर में फिर वही अपने जबे ठाकर फिल्मों की बातें करेंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ हम जिस एज के हैं उन हम सबको पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, उनके कलाकार उस टाइम हमको बहुत अच्छे लगते थे। तो अभी कोई बात कर रहे हैं, एक फिल्म आई थी बेवफा, अभी भी इस स्टिल इन 1952, तो उनसे सुनते हैं और पता लिंक तो आपको मिली जाती है इसके एपिसोड के साथ में। तो लेट्स लिसन टू जय भाई ठाकर। मित्रों, 1952 में एक और नरगिस और राज कपूर की फिल्म आई बेवफा। इस फिल्म में राज कपूर ने नेगेटिव रोल किया है। जब बाजीगर वगैरह फिल्में आईं तो कहा जाता था कि अरे वाह, शाहरुख खान ने क्या नेगेटिव रोल किया है, ये वो, ये तो पहली बार हुआ शायद, वगैरह वगैरह। मगर ये तो बहुत पहले से चला आता है। अशोक कुमार ने किया था, किस्मत में किया था, देवानंद ने बाजी वगैरह में किया था, जाल में तो बहुत बहुत ही उसका क्रिकेट आदमी का जो रोल था बढ़िया था, और ये राज कपूर ने किया फिल्म बेवफा में। अच्छी कहानी है, राज कपूर एक कॉन मैन है और इसी एरिया में नरगिस रहती है कि जो गरीब है, और उसके चाचा या मामा जो है वो उसे बहुत काम करवाते हैं, और जो पैसे आते हैं वो सब लेके शराब वगैरह में डाल देते हैं। तो ये बड़ी दुखी है और राज कपूर उससे उस पर रहम खा के थोड़ी बहुत उसे मदद भी करता है। प्लान ये है कि भविष्य में कुछ काम आ सकें, मगर कुछ होता नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है और बड़ी बेबस हालत में अशोक कुमार को मिलती है कि जो पेंटर होता है, और वहाँ जाके फिर उसके साथ उसे ले जाते हैं अशोक कुमार अपने घर, और उसे अपनी मॉडल बना के पेंटिंग करते हैं और बहुत बहुत बढ़िया पेंटिंग बनते हैं और बिकते हैं, तो काफ़ी पैसे मिलते हैं। और जो हमेशा होता आया है, अशोक कुमार अपने मॉडल के प्रेम में धीरे 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 उतरता है, मगर वो बताता नहीं। द साइलेंट सफरर। खैर, ये तो सब ठीक चल रहा है, राज कपूर आ जाते हैं और वो देखता है कि ये तो बड़ी पैसे वाली हो गई, चलो। तो उसको अपने चार्म से, अपनी कशिश से उसको अपनी बना के पैसे लेने की कोशिश कर रहा है उससे। अशोक कुमार समझ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है, मगर वो कहने से क्या फ़ायदा, वो तो एकदम गले तक डूबी है राज कपूर के प्रेम में। ठीक है, अब क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, आपको फिल्म देखनी है। बड़ी सुंदर, तीनों की बहुत बहुत सुंदर एक्टिंग थी, ज़रूर देखिए।